मरीजों की परेशानी पर सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। मेरी सहयोगी नेहा बातम ने शोएब इकबाल से बात की, क्या उन्होंने कहा सुनिए जरा। और इस वक्त आम आदमी पार्टी के विधायक शोएब इकबाल जी हमारे साथ हैं। शोएब इकबाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज तक पर। आपने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है, ऐसी मांग की जरूरत क्यों आन पड़ी है? देखिए, दिल्ली में जो त्राहिमाम मचा हुआ है, जिस तरह से मौतें हो रही हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं, वेंटिलेटर और अपना आईसीयू नहीं मिल पा रहे हैं, लोग सड़कों पर दम तोड़ रहे हैं, मर रहे हैं। तो इसमें ऐसी सूरत में हमारे पास कोई चारा नहीं। दिल्ली सरकार केंद्र से बार बार कहती है कि आप हमको सहयोग करें, केंद्र सरकार वो कहती है हम सहयोग कर रहे हैं, नहीं करते। हाईकोर्ट बेचारी रात दिन हाईकोर्ट अपने डायरेक्शन दी जा रही है कि आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। तो लेकिन जब हम दुनिया से हम मदद मांग रहा है, हमारा देश मांग रहा है, तो आज हमको केंद्र सरकार से सीधी मांग कर देनी चाहिए कि साहब आप जो इस टसल में हो कि हम दे रहे हैं, दिल्ली सरकार कह रही है कि हम कुछ दे नहीं, हमको ये दवाइयाँ या ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिल पा रही है, तो ऐसी सूरत के अंदर कोई चारा नहीं बचा है। तो हमने कहा कि इतना ही कुछ है तो आप अपना जो है दिल्ली में जो है तो राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए 3 महीने के लिए, और लेफ्टिनेंट गवर्नर को सारी कमान दे दीजिए, और लेफ्टिनेंट गवर्नर सारा काम देखेंगे और उसकी मॉनिटरिंग करेंगे दिल्ली के अपना चीफ जस्टिस साहब। तो ये बहुत अच्छा रहेगा मेरी नज़र में। मैं अब भी कह रहा हूँ कि अगरचे सेंटर गवर्नमेंट को हम दे दें कि साहब आप कर लीजिए और वो कर देगी, क्योंकि राष्ट्रपति शासन का मतलब ये है कि सेंटर का रूल हो जाएगा उसको, तो सेंटर गवर्नमेंट हमको देगी, तो ऐसी सूरत के अंदर हम दिल्ली के लोगों की भलाई के लिए काम कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको बता दूं बात, नहीं तो दिल्ली का जो है बहुत बुरा हाल होने जा रहा है। कोई बेड नहीं मिल पाता, आईसीयू नहीं मिल रहा, अपने को वो नहीं मिल पा रही है, कोई मेडिसिन नहीं मिल पा रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। हम परेशान हूँ, मैं खुद से परेशान हूँ, लोगों के लिए, जनता के लिए। जनता हमारे पास आ रही है, हम बिल्कुल हैंडीकैप हुए पड़े हैं। इसी जनता ने आप पर भरोसा जताया, आपको वोट दिया, आपको दिल्ली की कमान सौंपी, आप उस भरोसे पर खड़े नहीं उतर पाए, आपने उस भरोसे को तोड़ा है। अब उस पूरे भरोसे का ठीकरा आप केंद्र सरकार पर देना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार पूरी कमान संभाल ले, दिल्ली तब बेहतर हो पाएगी। आप भी तो कहीं ना कहीं फेल हुए हैं, फेलियर तो मानिए कम से कम अपना। भाई तो जब ऐसी हालत के अंदर हम कब मना कर रहे हैं, अब हमसे नहीं संभल पा रहा है, हमसे नहीं हो पा रहा है, तो जब आप इंडिया से नहीं संभल पा रहा है तो आप अमेरिका से, अपना दुनिया के तमाम मुल्कों से आप मदद ले रहे हो, यानी कि इंडिया भी फेल हो चुका है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी फेल हो चुकी है। बात तो सही कह रही हैं आप, हम भी नहीं वो हैं अब, मतलब हमने केंद्र की सरकार भी मतलब एक असफल हो चुकी है, तो हम सबको मानना चाहिए जो मिलकर जो है हमको जो है अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी तय करनी चाहिए कि साहब हमसे नहीं हो पा रहा है। जब हम विदेशों से अपना ले रहे हैं, हम अमेरिका से ले रहे हैं, रूस से ले रहे हैं, अपना अपना सऊदी अरब से ले रहे हैं और दूसरे मुल्कों से ले रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, लोग दे भी रहे हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर हम सेंटर से कह रहा हूँ कि सही है कि आइए पढ़ के हाथ बटाइए। अगर आप कहते हो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि इनसे नहीं संभल पा रहा है तो आप संभाल लीजिए।